हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांत। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेडमी नोट 7 प्रो में हमें ये 12.3.0 का स्टेबल ओटी अपडेट आ चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Redmi Note 7 Pro में MIUI 12.3.0 का स्टेबल ओटी अपडेट, जो कि मार्च का स्टेबल ओटी अपडेट है, चाइना में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो फाइनली आपको इंडिया में भी जल्दी देखने को मिल जाएगा MIUI 12 का लेटेस्ट अपडेट, जो कि साथ MIUI 12.0.2.0 जो कि आपका रिलीज हो रहा है कोई कोई डिवाइस में। अब मुझे जितना पता है कि शायद बीटा टेस्टर को रिलीज होना स्टार्ट हो गया, और चाइना में आपका MIUI 12.0.3.0 स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है और हो भी गया होगा शायद। तो यही आपका न्यूज़ है जो कि Redmi Note 7 Pro के लिए। तो आपको Redmi Note 7 Pro में जल्दी एक नया अपडेट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको बहुत सारा बग्स जो है फिक्स हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा नया फीचर्स तो नहीं देखने को मिला, बट जितने भी आपका बग्स है वो आपका Redmi Note 7 Pro में फिक्स हो गया। और मैं अभी फिलहाल उसको टेस्ट कर रहा हूँ, कल ही मतलब कि इसको इंस्टॉल किया अपना डिवाइस में और अभी इसका टेस्टिंग चल रहा है। तो रोम अच्छा है, जितने प्रॉब्लम्स थे ज़्यादातर वो फिक्स हो गया है। और टेस्टिंग का वीडियो साथ फुल रिव्यू का राउंड आपको परसों मिल जाएगा, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। और अभी भी कुछ कुछ मैं बग्स जो है लिख के रखा हूँ जो कि आपको मैं बता सकता हूँ। तो ऑब्वियसली ये देखिए वीडियो, तो अगर आप देखेंगे तो MIUI 12 का 0.3.0 चाइना वर्जन में क्या क्या आपको फिक्स मिल रहा, तो अपडेट आपका हो गया एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो कि आपका लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। अक्टूबर का आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल। और अगर आप देखिए तो इसमें आपको जो कंट्रोल सेंटर का लैग जो देखने को मिलता था वो आपको फिक्स हो गया है, जो कि मतलब आप जैसे कंट्रोल सेंटर को नीचे मतलब लाते थे तो उसमें आपको लैग थोड़ा बहुत देखने को मिलता, तो वो आपका फिक्स हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बात है जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि Redmi Note 7 Pro में कंट्रोल सेंटर कभी कभी अनयूजेबल होता है, तो वो चीज़ आपका ठीक हो गया। और अभी बैटरी ड्रेनेज का जो इशू था वो ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेज में, बट Redmi Note 7 Pro में भी बहुत ज़्यादातर हद तक फिक्स हो गया है जितना मैं अभी तक यूज़ किया हूँ। और आपका जो UI लैगिंग का जो प्रॉब्लम था, मतलब कभी कभी आपका शटर लैग करता था पूरा रिसेंस में जाने से, मतलब स्वाइप अप करने से, तो सब का भी आपका प्रॉब्लम जो इस अपडेट में MIUI 12.3.0 में फिक्स हो गया। और अगर आपको चाहना है तो आपका जो नेविगेशन जेस्चर बार है उस समय भी आपका लैग करता था, तो वो भी अभी आपका जो फिश मतलब जैसे आप स्वाइप अप करते थे तो उसमें भी आपका जो लैग इशू है वो भी आपका फिक्स हो गया। और आपका बच जाता है अभी आपका सिस्टम लॉन्चर, और सिस्टम में नया जो आपका एनिमेशन ऐड कर दिया गया, काफ़ी स्मूथ कर दिया गया, जो कि पहले से काफ़ी अच्छा बना दिया गया। तो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस बार MIUI 12 का जो चाइना में अपडेट मिला है। और कैमरा लैग का जो प्रॉब्लम था वो अभी तक है, बट थोड़ा बहुत कभी पहले से थोड़ा बहुत फिक्स हो गया, बट अभी भी तक कभी कभी लैग कर रहा है, कभी कभी नहीं कर रहा है। फ़ोन अगर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो आपका कैमरा लैग करेगा। और अगर आपको इंस्टॉल करना है ये, तो उसका आपको रोम का लिंक मिल जाएगा, वो आप डायरेक्टली वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड करके रोम को डाउनलोड कीजिए। फिर आपको कस्टमर रिकवरी में जाना होगा, जो कि आपको ऑरेंज फॉक्स मैं रिकमेंड करूँगा, उसमें जाइए, उससे फ्लैश कर लीजिए, फिर आप भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है और अच्छा रोम है, मतलब बगलेस रोम तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि खूब कम हीटिंग का इशू, बैटरी ड्रेनेज का फिक्स हो चुका है, अभी उतना ज़्यादा इसमें बग्स नहीं है। तो अगर आपको यूज़ करना तो आप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन टैप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं कल कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।